अजमेर JLN मेडिकल कॉलेज में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के साथ ही अस्पताल प्रशासन की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें याद किया गया। प्राचार्य वीर बहादुर सिंह ने बताया कि JLN मेडिकल कॉलेज पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। यहाँ लगातार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए आम मरीजों को राहत प्रदान की जाती रही है और विगत 4 से 5 साल में इसमें और तेजी से काम हुआ है और साथ ही सभी कर्मचारियों और मेडिकल स्टूडेंट ने इस मौके पर संकल्प लिया कि मेडिकल कॉलेज के विकास और विस्तार को लेकर वो निरंतर प्रयास करते रहेंगे। वीर बहादुर सिंह ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं लगातार बढ़ रही है। अब ये अस्पताल 1600 से अधिक बेड के साथ काम करेगा। PG की सुविधाएं भी पहले से डबल हो गई है। ऐसे में सभी के सहयोग से यह बेहतर काम किया जाएगा। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जैसा कि आप सब लोगों को विजित है, आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की 133वीं जन्मदिवस है। इस संदर्भ में हमारे मेडिकल कॉलेज का चूँकि नाम पंडित जी के नाम से ही है, इसलिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने इनका जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम किया है। हमने आज के दिन यह भी एक प्रयास किया है और प्रण लिया है कि इस अस्पताल और इस मेडिकल कॉलेज के विकास के लिए प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक फैकल्टी मेंबर जितना विकास में सहयोग दे सकेगा वो सहयोग दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यह मेडिकल कॉलेज पिछले 4-5 साल से प्रगति की दिशा में है, जिसमें हमारे बेड का बढ़ना, अलग अलग विषयों में सुपर स्पेशलिटी में PG का बढ़ना, जैसा कि हमारे यहाँ पहले कम बेड थे, कल 1024 बेड थे, अब हमारे पास लगभग ये पूरा काम कंप्लीट होने के बाद में लगभग हमारे 1600 बेड नए हो जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में जो PG की जो सब्जेक्ट्स थे हमारे, वो भी लगभग डबल हो गए हैं। तो इन सभी की को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो महाविद्यालय है, हमारा अस्पताल है, उसकी प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं आप सभी से आज के दिवस पर सभी को बधाई देना चाहता हूं और ये भी कहना चाहूंगा कि इस महाविद्यालय के जो प्रोग्रेस में आप सभी का सहयोग हो रहा है।